नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 300 करोड़ की योजना शुरू होगी। महाकाल मंदिर के विस्तार और व्यवस्थाओं में सुधार के लिए मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रियों की त्रिस्तरीय सदस्य समिति गठित होगी। इसके साथ ही महाकाल मंदिर के अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में भगवान महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं में सुधार और सुविधाओं के विस्तार पर हुई बैठक में ये निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने बैठक में कहा कि भगवान महाकाल मंदिर के कारण पूरे विश्व में मध्य प्रदेश की पहचान है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के इस केंद्र का सुनियोजित विकास किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्तार और व्यवस्था में सुधार के दौरान महाकाल मंदिर में मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने निर्देश पर गठित मंत्रियों की त्रिस्तरीय समिति में उज्जैन जिले के प्रभारी, लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा, आध्यात्म मंत्री श्री पीसी शर्मा और नगरीय विकास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह सदस्य होंगे। ये कमेटी महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़े लोगों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर विकास और विस्तार के संबंध में आवश्यक निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने इंदौर के एक निजी अस्पताल में 10 मरीजों के आंखों के ऑपरेशन के बाद उनकी आंखों की रोशनी प्रभावित होने की घटना को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने पूरी घटना की जांच कर दोषियों को कठोर दंड देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रशिया में अक्टूबर में होने वाली मुक्केबाजी की विश्व चैंपियनशिप में चयनित उज्जैन जिले की बालिका कुमारी मंजू बंबूरिया ने मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ से मंत्रालय में भेंट की। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा और जनसंपर्क मंत्री श्री पीसी शर्मा उपस्थित थे। खेल मंत्री श्री जीतू पटवारी से आज शिवपुरी जिले के ग्राम नरवर के ग्रामीण धावक रामेश्वर गुर्जर ने मुलाकात की। इस दौरान श्री पटवारी ने कहा कि ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को ना अच्छा अवसर मिलता है, ना अच्छी अधोसंरचना, ना बेहतर कोचिंग व्यवस्था और प्रशिक्षण भी नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि इन प्रतिभाओं को वो सम्मान नहीं मिल पाता जिनके वे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि अब इन ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए हर वर्ष मध्य प्रदेश ओलंपिक का आयोजन होगा। जनसंपर्क आयुक्त श्री पी नरहरी और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति श्री दीपक तिवारी ने जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के 2 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स का कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान जनसंपर्क आयुक्त श्री पी नरहरी ने संकटकालीन प्रबंधन और जनसंपर्क विषय पर व्याख्यान दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।